सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम जम्पी शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय मॉड्यूल 5 पर अपने विचार साझा करते हैं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और ये प्रश्न आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? इसके उत्तर हैं, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, दूसरा गुणवत्ता में सुधार के लिए, तीसरा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। का दूसरा प्रश्न है, ICT संबंधित नहीं है कल्पना से। इसका तीसरा प्रश्न है, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? इसका उत्तर है, श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेन्द्रीय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। दूसरा, अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इसका चौथा प्रश्न है, ई सामग्री है रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात्कार से प्राप्त सामग्री, डिजिटल टेक्स्ट चित्र, ऑडियो वीडियो एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री, सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र, इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इसका अगला प्रश्न है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER है NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियाँ, प्रस्तुतियाँ हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। का अगला प्रश्न है, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाई जा सकती है। सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहाँ ICT को एकीकृत किया जा सकता है। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर OWS। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोर्स कोड के साथ, जिसे कोई भी यूजर रीड अथवा मॉडिफाई कर सकता है। ई पाठशाला है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक संसाधन का प्रदर्शन और प्रसार। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्र, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसका उत्तर है, ओपन शॉट वीडियो एडिटर, गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं H5P, दूसरा स्क्रैच, तीसरा ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिट। निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर है फ्री माइंड और फ्री प्रेल माइंड मैपिंग। फिर अगला प्रश्न है, विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है स्ट्रे
हेलियम और जियोजेब्रा, कालजियम और एवोगेड्रो भी हैं। नाकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफार्म हैं, गूगल फॉर्म्स, क्वाइट हॉट, पोटैटो और मेंटीमीटर। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का हिंदी अर्थ क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? सृजन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी का तात्पर्य क्या है? यूनेस्को के अनुसार आईसीटी का तात्पर्य प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है के माध्यम से डिजिटल जानकारी का संग्रह और संचारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आईसीटी संबंधित है सृजन से, पुनः प्राप्ति, संग्रहण, फेरबदल, प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेज अपने आप में एक उदाहरण है। इसका उत्तर है आईसीटी। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों तक शैक्षिक संसाधन पहुंचाने वाले आईसीटी उपकरण का नाम क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच। अगला प्रश्न है, संवादात्मक गतिविधियों के लिए सॉफ्टवेयर का नाम है H5P। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग गणित विज्ञान के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान सिखाने के लिए किया जाता है, जियोजेब्रा। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान है 7, रक्त का पीएच मान है 7.4, चिकन सूप का पीएच मान है 5.8। अगला प्रश्न है, एक ऐसा गेम पैकेज जिसमें कई शैक्षिक खेल शामिल हैं, जी कंप्राइज। अगला प्रश्न है, एक गणित गेम सॉफ्टवेयर है टॉक्स मैथ, ऑनलाइन शिक्षा का पर्यायवाची है डिजिटल शिक्षा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्थित शिक्षण है ऑनलाइन शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हो सकती है डिजिटल शिक्षा। अगला प्रश्न है, अपने देश में भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई दृष्टि से भिन्न कितने शिक्षक और विद्यार्थी हैं? 90 लाख शिक्षक और 25 लाख विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, डिजिटल शिक्षा के प्रसार के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, ऑनलाइन मोड, आंशिक रूप से ऑफलाइन मोड, तीसरा ऑफलाइन मोड। अगला प्रश्न है, LMS का हिंदी अर्थ है अधिगम प्रबंधन प्रणाली। अगला प्रश्न है, साइबर शब्द में एक पदचिह्न छोड़ देती हैं ऑनलाइन गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो हमें विभिन्न विशेषताओं के साथ डिजिटल ग्लोब दिखाने में मदद करता है, मार्बल। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर अक्सर ऑनलाइन निर्देशात्मक सामग्री प्रदान करके पारंपरिक शैक्षिक व्यवस्था को उलटने वाली प्रणाली को कहते हैं फ्लिप क्लॉक्स। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा ली गई पहल लोग सामाजिक विज्ञान व इतिहास पढ़ाने के शिक्षक करते हैं भुवन। अगला प्रश्न है, कौन से सॉफ्टवेयर के उपयोग से बचना चाहिए? पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, किन व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए? USB या हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न है, एक ऐसा मंच आप रसायन विज्ञान, भौतिक जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के एवं गणित के लिए भी सिमुलेशन देख सकते हैं। इस तरह साथियों, ये 40 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अतः यह उपयोगी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।